हेलो फ्रेंड्स, माध्यम अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे इसमें कि प्रतिरोध, धारा और विभवांतर किस तरह से निकाले जाते हैं। और 10th क्लास में इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा था, 7 नंबर में। इसमें तीनों चीज़ें निकलवाने को दे देता है और 7 नंबर आपको मिल जाते हैं। और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स में। तो देख लेते हैं किस तरह से निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, अगर श्रेणी क्रम में हो तो क्या लगाते हैं? सीधा सीधा R1 + R2 डेड डेड डेस जितने हो। R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इस तरह से ओम लिख दिया जाता है, या फिर हिंदी में लिख लो। तो जब इस तरह से कोई चेन मिलती है ना, उसको श्रेणी में जोड़ते हैं। ये वाली चेन होगी तो श्रेणी में, तो ये वाला श्रेणी में जोड़ लेंगे, ये वाला श्रेणी में जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों के आंसर को समांतर में कर देंगे। तो देखो, श्रेणी में जोड़ो पहले, इसको और इसको जोड़ लेते पहले, 2 ओम + 10 ओम। आपको लिखना है कि 2 ओम और 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी में सीधे सीधे जोड़ते हैं, कितने? 2 तक ले लेंगे, तो ये कितना हो गया? 12 ओम। ठीक है, अब इनको जोड़ लो, 1 और 2, 3 और 3 6, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 ओम। क्लियर? ये वाला श्रेणी में हमने जोड़ लिया और ये वाला जोड़ लेंगे, तो ये हमारा 12 आ गया, ये वाला 6 आ गया। अब इसको जोड़ना है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम में होता है हमारा ये वाला 1/r। इसमें 1/ में लेते हैं, 1/r, 1/r1 + 1/r2। तो 6 और 12 को ले लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो समांतर में कैसे करना है। तो समांतर में पहले हम ये ले लेते हैं 1/r1, हमारे पास 2 ही तो ओम है, तो हम 2 तक ही लेंगे बस, 3 होता तो 3 तक ले लेते हैं। तो इसकी कितनी वैल्यू थी हमारी? 10 और 2 12 आया था। इसका इसका है 6, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? 12 ही आएगा। तो 12 बन जाए 12, ये 1 आ गया। 6 का इसमें डिवाइड देंगे, 6 2 जाए 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3/12। अब एक चीज़ देखो, जब हमारा 1/r यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/12, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर सिंपल सा याद रखो कि वैल्यू पलट देंगे। तो जब r निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, r बराबर क्या हो जाएगा? 12/3। प्रतिरोध निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी क्योंकि यहाँ पे 1 लगा हुआ है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कैसे। यही तो आया था हमारे पास 3/12। ये तो सिंपल, आप डायरेक्ट वैल्यू पलट लो, 12/3, 3 4 जाए 12। तो फाइनल आर कितना निकला? 4 ओम। ऐसे डायग्राम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें पूरा तुल्य प्रतिरोध बताओ, मतलब टोटल बताना आपको पूरा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकला? 4। 10 और 2 12 हो गया, 2 और 1 3 3 6 हो गया। ये सब कर लिया इस तरह से हमारा, फिर दोनों को अपना समांतर कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर 4 आ गया। क्लियर? और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना हो तो आप इस तरह से कर देते हैं, 3 × r लिख देंगे, 12 का 12, तो 3 से यहाँ काट दो, 3 4 जा 12, तो इस तरह से आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पलट लो, जैसे मैंने आपको फुकधुरी में करवाया था, ये हो गया r। अब इसी में यहाँ पे अगर बैटरी लगा दी जाए, सपोज मैंने यहाँ पे ये प्लस होते हैं माइनस, 20 वोल्ट बैटरी है, अब वो आपसे आई निकलवा रहा, तो आई विद्युत धारा को कहते हैं। इसे अमीटर से मापा जाता है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? V/R, जो कि ओम का नियम का फॉलो करता है, उसमें ही आता है। तो बैटरी कितनी है? 20, ये रख देंगे। और आर अभी हमने कितना निकाला था? 4 निकाला था, यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 4 5 जा 20। इस तरह से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एम्पियर। इस तरह से हम आई निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बी देखो, सपोज आई आपकी 5 आ गई, अब बी कैसे निकलता? इसी से हम बी निकाल लेंगे। बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I × r, और आई इससे होता है, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? V/r, अभी जस्ट करवाया, ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं। और r निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? V/i। इस तरह से कर लेते हैं, जो निकालते हैं इसके बगल वाला हमेशा नीचे जाता है। तो मैंने अभी आपको आई तो निकालना बता दिया, अब बी देखो,
बी बराबर होता है आई मल्टीपल आर। तो आई सपोज 5 है जैसे अभी मैंने निकाली, और आर कितना निकाला था अभी हमने 4, तो बी कितना हो जाएगा टोटल 20। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इसलिए हम पे बी लिख देंगे। और विभवांतर को किससे मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, अमीटर से। इनके मात्रक याद कर लो, विद्युत धारा का मात्रक आई निकालेंगे तो एम्पियर लगा देंगे, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये सब ओम बने हुए हैं। आर निकालेंगे तो ओम लिख देंगे इस तरह से, और विभवांतर निकालेंगे तो वोल्ट लिख देंगे, इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो इस तरह से आई बी और आर तीनों निकल आते हैं। ये पार्ट 1 है, अभी मैं आपको पार्ट 2 3 इस तरह से, और ये बिल्कुल 0 लेवल का सम्स है, ठीक है। इसके आगे भी और होते जाएंगे, एक और देख लेते हैं। देखो ये देखो, बहुत ही सिंपल है ये डायग्राम, आपको टोटल आर बताना है। तो इस वाली श्रेणी, ये वाला, ये समांतर होता है, और इधर उधर जितने भी लगा दो, यहाँ वहाँ कहीं भी, वो सब श्रेणी होते हैं। तो समांतर में भी फॉर्मूला बताया ही मैंने आपको, जोड़ लो एलसीएम कितना आएगा 6, इसका डिवाइड दो 3 2 जा, इसमें डिवाइड देते नीचे वाले में, और 6 बन जा 6, तो टोटल कितना हो गया 3/6। जब 1 हटाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू पलटेगी 6/3। अभी मैंने आपको समझा ही दिया, 3 2 जा 6, तो हमारा आर कितना निकला है 2। तो इन दोनों को समांतर में जोड़कर हमारा आर 2 निकला। कैसे निकला अभी आपको बता दिया, इन दोनों को इस तरह से जोड़ के ये फाइनल हमारा 2 निकल आया। अब ये वाला 2 जितने भी इधर उधर लगे हो सबको श्रेणी में जोड़ दिया जाता है। इस वाले 2 के साथ ये वाला 2 हम श्रेणी में जोड़ देंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा टोटल 4। तो टोटल हमारा प्रतिरोध निकल के आएगा 4 ओम। इन दोनों को समांतर में जोड़ के 2 आ गया, और उसके साथ ये वाला 2 हमने उसमें जोड़ दिया, तो इस तरह से फाइनल आर हमारा आ गया 4। इसी तरह से आई पूछा होता तो बैटरी मिलती है तो बोला के आई बराबर B/R से कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में थोड़े हार्ड लेंगे, इससे हार्ड लेवल ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और बच्चों की भी हेल्प हो सके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।